हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। गाइस, यदि आप साइट इंजीनियर हो या आपको साइट को ज्वाइन किए हुए कंस्ट्रक्शन साइट को ज्वाइन किए हुए अभी 1 से 2 साल हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेबर अटेंडेंस बुक को लेकर के, कि लेबर का जो अटेंडेंस बुक होता है वो कैसे फिल किया जाता है, एक साइट इंजीनियर को उसको कैसे भरा जाता है ताकि जब भी बिल के लिए आगे बढ़े तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका इंसल्ट ना हो। तो आज के वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेबर का अटेंडेंस आपको एक साइट इंजीनियर को क्यों लेना पड़ता है, जबकि जो भी वर्क होता है साइट पर वो यूनिट से होता है, मीटर क्यू से होता है, चाहे कास्टिंग की वर्क क्यों ना हो, शटरिंग या सेंटरिंग जो भी वर्क होता है साइट पे वो होता है यूनिट पे। जितना यूनिट कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार वर्क करता है उतना ही यूनिट का पैसा कंपनी उसको बिल देती है और कंपनी को भी इसी के अकॉर्डिंग बिल मिलता है, उसको पैसे मिलता है। तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है आपको एक साइट इंजीनियर को कि उसका लेबर का अटेंडेंस ले, जबकि उनका ठेकेदार ही ऑलरेडी रहता है, वो लेबर को पैसा ठेकेदार ही देता है, तो ऐसी क्या ज़रूरत आती है साइट पर। तो गाइस, साइट पे वर्क कराते टाइम बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो यूनिट के वर्क नहीं होते हैं, जैसे कि कंक्रीट हो गया है तो उस जैसे कि किसी भी स्ट्रक्चर का कास्टिंग कंप्लीट हो गया है, मान लीजिए पियर की कास्टिंग हो गई है, तो उस पियर के कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो जो क्यूरिंग प्रोसेस होता है वो 28 डेज के लिए होता है, तो 28 डेज क्यूरिंग करने के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, 1 से 2 हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका पैसा यूनिट वाइज नहीं होता है, क्यूरिंग का मेंशन नहीं होता है ठेकेदार को, तो क्यूरिंग कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक साइट इंजीनियर की होती है और एक साइट इंजीनियर को क्यूरिंग कराना पड़ता है 28 डेज। एक आध दिन आप मिस कर सकते हैं बट क्यूरिंग आपको कराना ही पड़ता है। तो ये जो क्यूरिंग आप जब भी कराते हो तो उसका आपके पास डाटा होना चाहिए, क्योंकि लेबर को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है पर डे के हिसाब से। जैसे कि आप या एक दिन में क्यूरिंग कराए तो आपको एक दिन का पैसा लेबर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए ज़रूरी होता है लेबर अटेंडेंस बुक आपको मेंटेन करना और उसमें नोट करना डेट वाइज कि कौन से डे में आप क्यूरिंग कराए हैं और कितने हेल्पर या कितने लेबर को लेकर के आप क्यूरिंग कराए हैं। ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं जैसे कि क्यूब मोल्ड ओपन करने का काम हो गया तो वो भी आपको करवाना पड़ता है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक सिविल साइट इंजीनियर की। और साइट पे तरह तरह की वर्क पड़ता रहता है, उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो जो वर्क होता है एक्स्ट्रा वर्क होता है जो उसमें यूनिट मेंशन नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार से नहीं होता है, तो उस वर्क को आपको एक्स्ट्रा लेबर लेकर एक्स्ट्रा हेल्पर लेकर के आपको उस काम को कंप्लीट करवाना पड़ता है जिसकी कंपनी पैसा पे कर देती है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ता है लेबर अटेंडेंस बुक को। तो आइए जानते हैं कि कैसे फिल किया जाता है लेबर अटेंडेंस बुक। सबसे पहले आपको एक नोटबुक ले लेना है, छोटा सा ही नोटबुक आपको लेना है। आप बड़े भी रजिस्टर ले सकते हैं बट उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको रेगुलर अटेंडेंस मेंटेन नहीं करना होता है, उसके लिए दूसरा बुक आता है। तो आप एक छोटा सा नोटबुक ले लेंगे और उसको सबसे पहले ओपन करके उसमें डेट लिखेंगे, जैसे कि आज का डेट मैंने लिख लिया, आप वीडियो में देख रहे हैं। आज का डेट लिखने के बाद आइए जानते हैं कि इस नोटबुक में और क्या क्या चीज़ें लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको ब्रिज नेम लिखना होता है या जो भी आपका कंस्ट्रक्शन का नाम है वो आप लिखिए। मैं इस पे ROB ब्रिज पे अभी वर्क कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ब्रिज लिख रहा हूँ। और बगल में आपको यहाँ पे लिख सकते हैं आप स्ट्रक्चर नाम, स्ट्रक्चर नेम आप यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी स्ट्रक्चर के आपके नेम है अभी वर्क चल रहा है या जिस स्ट्रक्चर पे आप वर्क कराए हैं हेल्पर से उसको लिख लिए। यहाँ पे LC 290 के नाम से एक ब्रिज है तो इसको हमने ब्रिज नेम लिख लिया, और स्ट्रक्चर नेम हम RP6 लिख लिए। क्यों RP6 इसलिए लिखे क्योंकि R का मतलब होता है रेलवे और P का मतलब होता है पियर, और 6 नंबर का पियर है तो RP6 हमने लिख लिया। तो स्ट्रक्चर नेम हो गया, ब्रिज नेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे वर्क डिस्क्रिप्शंस कि मतलब कौन से वर्क आप कराए, ये चीज़ें लिखना होता है। तो वर्क डिस्क्रिप्शंस लिख लिए हम यहाँ पे, और वर्क डिस्क्रिप्शन में हम पूरे वर्क का डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या वर्क हम करवाया उस हेल्पर से, क्योंकि ये प्रूफ के लिए होता है। देखिए यहाँ पे हमने क्यूरिंग कराया है तो क्यूरिंग वर्क यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्यूरिंग वर्क ऑफ RP, स्ट्रक्चर नाम लिख देंगे RP6 फर्स्ट लिफ्ट का जो क्यूरिंग कराए थे हम एक्स्ट्रा हेल्पर लेकर कराए थे, तो ये हम वर्क डिस्क्रिप्शंस लिख दिए। ये चीज़ें आपको लिखना होता है ताकि सामने वाला देखे तो समझ जाए आसानी से। अब हम लिखेंगे लेबर,
तो लेबर में जैसे कि कई सारे स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड लेबर हेल्पर होते हैं, तो उनसे हम वर्क कराते हैं। तो इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड नाम डालेंगे, या आप ऐसे डाल सकते हैं लेबर में हेल्पर और मिस्त्री, ऐसे डाल सकते हैं कि जिस जिस लेबर या मिस्त्री से आप वर्क कराए हैं उनका उनका नाम आप डाल सकते हैं। तो हमने स्किल्ड और अनस्किल्ड डाला है क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल होता है। तो स्किल्ड मतलब हो गया कि उन जो भी स्किल्ड हैं, मीन्स कि मिस्त्री है या फिटर है या वेल्डर है, वो स्किल्ड में आते हैं और अनस्किल्ड में हेल्पर आते हैं। तो जिन जिन से भी आप वर्क कराए हैं उनका उनका आप जिस मतलब टू लेबर या टू मिस्त्री या एक फिटर से आप वर्क कराए हैं तो आप मेंशन कर दीजिए, और लास्ट में एक टोटल का सिंबल बना करके आप लिख सकते हैं कि टोटल फोर हेल्पर या जो भी है, एक समझाने के लिए मैंने लिख दिया। और नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर ज़रूरी है क्योंकि सिग्नेचर आपका नहीं होगा तो वो आपके कंपनी के द्वारा वेरीफाई नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, तो आप सिग्नेचर करके यहाँ पे डेट लिख देंगे कि जिस डेट में आप इसको इशू कर रहे हैं उसका आप डेट लिख देंगे कि तो यहाँ पे डेट हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है कि आपको कौन सा पेज देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आपको कार्बन भी लगाना पड़ेगा, और एक जो कार्बन कॉपी है नीचे वो आपको दे देना है कॉन्ट्रैक्टर को या ठेकेदार को, और ओरिजिनल आपका जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको रख लेना है। तो यही प्रोसेस होता है लेबर अटेंडेंस मेंशन करने का, लेबर अटेंडेंस बुक नोटबुक को बनाने का सिंपल वे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप इसको सुधार सकते हैं, या आप और भी तरीके से इसको मेंशन करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।